हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है डे 4 और हम हैं काठमांडू में। तो आज हम लोग काठमांडू में घूमेंगे, हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ हम गए। तो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग अभी आ चुके हैं और चल के जा रहे हैं मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। कितना अंदर होगा यहाँ से? हाँ थोड़ा अंदर है, ज़्यादा नहीं। हाय वहाँ सारा सर, सारा हाय वहाँ। यहाँ पे हम लोग अभी प्रसाद ले रहे हैं, मम्मी ने ले लिया प्रसाद। सबने ले लिया प्रसाद। यहाँ से एंट्री थी, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, मैं ऐसा दूर से ही दिखा सकती हूँ। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बाबा, ओह गॉड। भाभी अभी खो गई, कहाँ खोई थी भाभी? ये दोनों भाभी लोग गायब थी। नहीं, वो एक प्रैंक था। अच्छा। बस प्रैंक था, छोटा सा प्रैंक। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। हालांकि भीड़ बहुत थी, लाइन बहुत लंबी लगी थी, पर हम लोग पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। जल्दी जल्दी चल रहा है, बस इतनी लाइन और बची है। बच्चे सारे उधर बैठे हैं, हम सारे लोग दर्शन कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, टाइम बहुत लगा लेकिन दर्शन हो गए। हम लोग ने मंगाया था समोसा, पर अभी तक आया नहीं, पूरी सब्जी आ गई तो लालच आ गया, तो हम लोगों ने यही ले लिया। पापा देखो किसे नहीं लाया उधर। तो ये आ गया यहाँ का समोसा चाट। मुझे तो ये कुछ आलू टिक्की लग रही है, समोसा कम लग रहा है। हम लोग मंदिर के आसपास थोड़ा सा रुद्राक्ष माला वगैरह ले रहे हैं। हम लोग अभी आ गए हैं नीलकंठ, पूरा नीलकंठ। यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं और अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, शायद कुछ शॉपिंग करने, कोई मार्केट वगैरह जा रहे हैं। शॉपिंग करते करते खाने आ गए फिर से। मोमो लिया है, हम लोग मोमो पे ही टूटे पड़े हैं जब से यहाँ आए, और नूडल। अभी इसकी चटनी नहीं आई, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग ने खा पी लिया, जहाँ का मोमोज बिल्कुल बेकार था, लेकिन पापड़ी चाट बहुत अच्छी थी, हमने और नूडल्स भी ठीक ठीक था। मतलब पहला ऐसी जगह मिली जहाँ पे हमें खराब खाना मिला है। खराब खाना नहीं मिला, केवल मोमो उसका खराब था, बाकी चीजें ठीक थी। मोमो खराब था, उसको उसने कंपनसेट किया, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा थे, कम लिए मोमोज का, पैसा नहीं दिया। बाकी फिर हम अभी शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जो मार्केट है यहाँ पे, हमने पता किया वो 8 बजे के बाद लगती है। वैसे मार्केट थोड़ी बहुत है, बट बहुत अच्छे से प्रॉपर 8 बजे के बाद लगेगी। तो अभी हम जा रहे हैं होटल, वहाँ पे पहले रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे, 8 बजे फिर करेंगे शॉपिंग ढेर सारी। यहाँ पे पीछे स्कूल है और यहाँ पे ये आम वाला ठेला लगा था, हम सबको आम खाने का मन हो रहा था, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से आम। बहुत ही कन्फ्यूजन है नेपाली और इंडियन रुपी में। तो हम लोग हो गए हैं
हैं रेडी और जा रहे हैं शॉपिंग करने, और आपको भी दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। दिल बनाओ। आजे आजे। अच्छे बन गया। पहुंच गए हैं यहाँ पे। अभी तो सब्जियों की बाजार लगी हुई है, पर अभी हम आगे जाते हैं। तो इस मार्केट का नाम है बसंत बाजार, और यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस ही था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर थोड़ा, पर हम लोग आए हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पता नहीं, हम लोग मार्केट आए तो थे, पर यहाँ पे ज़्यादा कोई दुकानें हैं नहीं, वही हैं ऑलमोस्ट वैसे ही, जैसे हर जगह मंदिरों के पास है नॉर्मल, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ हमें इंडिया में मिल ही जाती है, मतलब, और ऑब्वियसली वहीं से आता है, ऐसा मिला नहीं हमें कि हम लें। तो छोटी मोटी चीज़ें ही हमने ली थी पहले, अभी तो हमने कुछ नहीं लिया। तो ये है वो महल जो कि राजा जी का हुआ करता था, और ये इसी मार्केट में है। आप राजा जी के महल के आगे आओगे तो आपको ऐसे स्ट्रीट शॉप्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी चीप प्राइस में। पर अभी तक मैं इधर देख रही हूँ तो मुझे कुछ खास समझ आया नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। लेते हो जो मार्केट थी वो इतने एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव थे, मतलब बहुत देर में मार्केट हमें मिली भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वैसे, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो समझ आई। वो ठीक ही प्राइस था, ठीक ठाक था प्राइस, उधर ठीक था। हाँ, यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ ये तो घूमने आए, सामान के चक्कर में मत रहो। तो ये है हमारा लास्ट डे, लास्ट डे आज हम रिटर्न हो रहे हैं, और कल रात हमने बस उसके बाद शॉपिंग की, खाना खाया, और उसके बाद आ गए थे होटल। मैं शूट करना भूल गई। सो या बाय बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय।